चलते हुए इंसान को नहीं दिखता। और हमारा काम ही यही है कि कैमरे में क्या दिक्कत है, हम एक पंछी को जो लोग पिंजरे में कैद करते हैं, हम शायद ये नहीं सोच सकते कि हम उसे कैद करें, लेकिन हम उसकी छवि को अपने कैमरे में कैद करते हैं, उस छवि को कैद करके लोगों तक पहुंचाते हैं। अब उस छवि को कैद करना एक इंटरेस्ट है, एक सोच है, एक कला है। अब कला तो कभी छूट नहीं सकती, एक कलाकार अपनी कला को कभी नहीं छोड़ सकता जब तक वो जिंदा है। जम्मू शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर पुरखू का रहने वाला फोटोजर्नलिस्ट अमन शर्मा 2004 से फोटोजर्नलिज्म के शोबे में अपने फराइज अंजाम देता आ रहा है। 2019 में जबड़े में ट्यूमर की वजह से अमन शर्मा की जिंदगी इस कदर बदल गई कि वो एक वक्त पर अपने आप को लाचार और बेबस महसूस करने लगे। लेकिन जर्नलिज्म के पेशन ने अमन को जिंदा रहने का मकसद दिया। न सिर्फ इतनी कमजोरियों और इतनी डिफिकल्टीज का सामना करने के बावजूद भी आज भी अमन अपने कैमरे से अपने फराइज अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। जी, जब मेरा सर्जरी हो गई, सर्जरी होने के बाद मेरे टांग से बोन निकाली गई, जो सर्जरी में मेरे रिप्लेस किया गया, जो मेरा पूरा रिप्लेस किया गया, उसके बाद मेरे को चलने में थोड़ी दिक्कत वगैरह आ रही थी। तो तब मैं सोचता था यार हमें भागना होगा। जो इंसान सुबह 10 बजे घर से जाता था, रात को 11 बजे घर में आता था काम के लिए, जैसी असाइनमेंट हो, कभी कहीं है कभी कहीं है, तो अब सोच में आता था कि क्या आप मैं दोबारा जा पाऊंगा। लेकिन उसके बीच मेरे साथ सभी ने ये भी कहा कि ये प्रोफेशन छोड़ो, अब कुछ ऐसा काम करो जो आपके बैठने के लिए हो। कहते हैं ना, जब पानी के ऊपर वो सिल्ट जम जाती है ना, वो हट नहीं सकती, हम जितना भी उसे करेंगे वो हटेगी नहीं, वो फिर पैदा हो जाती है। अब वैसे ही हमारे ऊपर एक फोटो जर्नलिस्ट जम चुका है, ठीक है, ये जर्नलिज्म का टैग जो है हम पर लग चुका है, और हम अब उसके लिए ही हैं। मन तो करता है कि अब मैं बैठूँ, लेकिन जो मन अंदर से है, जो कुछ करना है, भागना है, लोगों के लिए लोगों की परेशानियां हैं, कुछ है वो बार बार मन में आती है कि भाई नहीं, अगर घर बैठ गया तो ऐसा नहीं है। अब एक साल के होने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा फील्ड में जा रहा हूँ, लेकिन अभी उस हिसाब से बैलेंस नहीं बन रहा। अब कोशिश कर रहा हूँ कि उसी हिसाब से बैलेंस बनाऊंगा। 5-6 महीने जो घर में गुजारे, लगभग एक साल ही घर में गुजारा, लेकिन उसके साथ साथ घर से भी मैं अभी काम कर रहा हूँ और बीच बीच में जा रहा हूँ। काम के बिना गति नहीं है, और काम बहुत जरूरी है। इवन मैंने अपने इन लॉज को देखा, मेरे फादर इन लॉज इज अ गुड जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, वो कश्मीर से काफी देर काम करते रहे। मेरा ब्रदर इन लॉ है, वो इज ऑल्सो फोटो जर्नलिस्ट, इज अ फोटो एडिटर इन दिल्ली। आज मेरे को लगभग 18-19 साल हो गए इस फील्ड में जाते हुए। अब मैं बैठ के काम नहीं कर सकता हूँ, मेरा मन आज भी यही होता है कि मैं कैमरा उठाऊँ और अपने फील्ड में भागूँ और अपना वही काम करूँ। हम जर्नलिस्ट जो हैं, हम धूप नहीं देखते, हम बारिश नहीं देखते, हम कोई जैसे कहीं भी कोई मिलिटेंट अटैक हो रहा है, हम उसमें भी जा रहे हैं, हम स्टोन पेल्टिंग में जा रहे हैं, कहीं आपदा आ रही है हम वहाँ जा रहे हैं, कहीं पर आग लग रही है हम वहाँ जा रहे हैं। हमारे लिए हर एक काम, हर एक जगह, हर एक स्पॉट एक जैसा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मदद के लिए। गवर्नमेंट को जरूर ये चाहिए कि अगर हम इतना काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, अब एक अकेली गवर्नमेंट हर जगह नहीं पहुंच सकती, अब उनको आईने में दिखाना कि यहाँ आपके पास काम करने की जगह है, यहाँ पर ऐसी त्रुटियां हैं, यहाँ पर ऐसी कमियां हैं जो गवर्नमेंट से नहीं पूरी हुई हैं। एक जर्नलिस्ट यही काम करता है, तो गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि कम से कम जो फील्ड वर्क है, जो फील्ड में चलते हैं, कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी होनी चाहिए।